नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मुत्रा। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी तबाही मचा रखी है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन 2 किया गया है, जिसके बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। तो वहीं इस लॉकडाउन 2 के चलते उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो लोग रोजाना कमाते और खाते थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए शासन के निर्देश पर प्रशासन ऐसे लोगों के बीच राशन और खाना बांटने का काम कर रहा है। तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी इन कार्यों में प्रशासन की मदद में कारगर साबित हो रही। धर्म की नगरी काशी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई इस कोरोना योद्धा के जज्बे को सलाम करेगा। ये हैं दिव्यांग जितेंद्र यादव, जिन्होंने इस मुश्किल समय में बीड़ा उठाया है भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का। जितेंद्र सामाजिक संस्था की मदद से खाने के पैकेट को लेकर प्रतिदिन अपनी ट्राईसाइकिल से बांटकर समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं पहले चल नहीं पाता था, मैं हॉस्पिटल में आया तो डॉक्टर साहब एनजीओ माँ श्वेता की तरफ से मेरा ऑपरेशन हुआ, काफ़ी हद तक जो मेरा पांव सही हुआ। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें और सेवा करना चाहिए। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से मैं घर में बैठना बंद कर दिया और हमें सेवा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा गरीबों का हम लोग करेंगे। तो किस तरीके से आप लोगों तक खाना पहुँचाते हैं, कैसे जाते हैं? हम यहाँ से 100-125 पैकेट साइकिल से अपने लेकर निकलते हैं और जो ज़रूरतमंद है उनको डायरेक्ट हम लोग देते हैं खाना वितरण। जितेंद्र यादव रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी ट्राईसाइकिल पर गरीबों तक खाना वितरण का कार्य करते हैं। जितेंद्र के इस नेक कार्य को देखते हुए हर तरफ उनकी प्रशंसा होने के साथ ही अब उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में भी देखा जा रहा है।